एक्चुअल डिफेंस एकेडमी के क्लासरूम में अक्सर मेंटर कैप्टन एसके सर ये बोलते नजर आते हैं कि आज के टाइम पे हर एक डिफेंस एस्पिरेंट को अपने मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे काम करना चाहिए। वहीं अलग अलग आर्टिकल्स इंक्लूडिंग WHO जैसी ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि फिजिकल हेल्थ से ज्यादा जरूरी मेंटल हेल्थ है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, क्योंकि सर एक वेटरन भी रह चुके हैं तो बहुत ज्यादा इस वीडियो को वो फौज के जीवन से कनेक्ट करने वाले हैं। इसलिए एस्पिरेंट्स प्रैक्टिकल अप्रोच वीडियो का सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आई तो जरूर दोस्तों तक शेयर करिएगा। सर स्वागत है पहले तो। थैंक यू सर। अक्सर आप कहते हैं कि मेंटल हेल्थ इज वन हेल्थ विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एवरी डिफेंस एस्पिरेंट। सर ये मेंटल हेल्थ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में क्यों जरूरी है? देखिए मेंटल हेल्थ का मतलब पहले समझ लें ये लोग कि मेंटल हेल्थ क्या है। इमोशनल साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन, ठीक है। ये अगर बुनियादी तौर पर ये समझने की बात है, ठीक नहीं है SSB एस्पिरेंट को क्यों हम बोलते हैं बार बार, जिसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है वो TAT में नेगेटिव या प्रॉब्लम्स ज्यादा अनवांटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, WAT में रिस्पॉन्सेज उनके नेगेटिव होंगे, और जो ग्रुप वर्क है उसमें ग्रुप कोऑर्डिनेशन उनका खराब दिखेगा। ये सब मेंटल हेल्थ की वजह से आपके परेशानी आने वाली है आगे। तो मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। इसको इसकी डेफिनेशन एक अमेरिका के साइकेट्रिस्ट हैं कार्ल मैनिंगर जी, उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी। उस डेफिनेशन के अनुसार ये क्या कहते हैं कि इट इज एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू द वर्ल्ड एंड टू ईच अदर विद अ मैक्सिमम ऑफ इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। तो खुश हो करके अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, अपने आसपास के वातावरण के साथ, जिस तरीके से आप रहते हैं, जो विचार आपके दिमाग में आते हैं खुशनुमा विचार, वो है आपकी मेंटल हेल्थ। व्हाई मेंटल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट सर इन आर्म्ड फोर्सेस की अगर हम बात कर रहे हैं, ये तो सामान्य जीवन में भी अगर आप देखेंगे, आर्म फोर्सेस में तो इनको बिल्कुल मैं बताऊंगा जी। सामान्य जीवन में अगर आप देखेंगे सर तो मेंटल हेल्थ जिसकी ठीक रहती है, इट इज वन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपको हमेशा मोटिवेट रखता है, ठीक है। इट हेल्प्स यू टू कीप मोटिवेटेड टू रीच टू योर मैक्सिमम लिमिट। आप जब मोटिवेटेड रहेंगे तो क्या है कि आपकी ऊर्जा, आपके मानसिक स्वास्थ्य आपको अपनी नई ऊंचाइयों, अपनी लिमिट्स तक काम करने की पूरी छूट देगा। आप उतने मोटिवेटेड रहेंगे तो मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, वरना निराशावादी नेगेटिव विचार ये सब आपके दिमाग में आने लग जाएंगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी आपके लिए आगे, ठीक है। आपके रिस्पॉन्सेज भी उसी तरीके से मिलेंगे फिर। और फौज में अगर आप देखें तो इंडियन आर्मी में इसका कंसर्न 2021 के बाद से ज्यादा बढ़ा, क्योंकि पिछले जो कुछ समय गए, कुछ वर्ष 16, 17, 18 की अगर हम बात करें तो सबसे खराब 3 वर्ष थे भारतीय सेना के लिए। 2016 में सर 104 लोगों ने सुसाइड किया था आर्म फोर्सेस में, 2017 में 75 लोगों ने, और 2018 में 80 लोगों ने सुसाइड किया। इसके बाद अचानक ये चीज आई कि भाई आखिर इतना प्रेशर क्यों ले रहे हैं, ठीक है। अब प्रेशर क्या है इनके ऊपर ये समझा जाए कि एक आर्म फोर्सेस में जो सर्विस करने वाले लोग हैं जी, आर्म फोर्सेस में दो तरीके के प्रेशर होते हैं जी। एक होता है ऑपरेशनल स्ट्रेस, द स्ट्रेस यू कैरी इन आर्म फोर्सेस, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज ऑपरेशनल एंड सेकंड इज नॉन ऑपरेशनल स्ट्रेस। ऑपरेशनल स्ट्रेस क्या होते हैं आपके पास? पहला, वर्किंग इन स्ट्रेसफुल एंड ट्रॉमेटिक conditions और situations, जैसे कि काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में आप हैं, ठीक है। हाई रिस्क एक्टिविटीज है वहां पर, और जैसे CIAChin में है हाई रिस्क एक्टिविटीज है आपके पास। तो जब आप एडवर्स सर्कमस्टांसेस में रहते हैं, जो सिचुएशन होती हैं, जो आपका जो एनवायरमेंट है वो आपके अनुसार नहीं होता है, बहुत सुविधाजनक नहीं होता है, या अनसर्टेनिटी होती है एक्शन के अंदर,
कि हम करने कुछ गए और हो कुछ किया, ठीक है। तो इस तरीके की जब चीजें आने लग जाती हैं तो अनसर्टेनिटी जो आपके एक्शंस में है, इन सब की वजह से ये पहला स्ट्रेस कैरी करते हैं आप, क्या होगा, ठीक है, कब क्या हो जाए, ये स्ट्रेस एक बना रहता है। दूसरा, फिजिकल इंजरीज हो सकती हैं, है ना, आप बीपीटी दौड़ने जा रहे हैं, क्या इस बात है कहीं कोई चोट लग गई, मेडिकल कैटेगरी लग मिल जाएगी, ये भी एक तरीके का स्ट्रेस होता है, मेडिकल कैटेगरी मिलेगी तो फिर पता चला प्रमोशन नहीं होगा आगे, है ना, मेडिकल शेप बिगड़ गया तो वो भी एक समस्या, वो एक स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं। एक फिर होता है फ्रेटिसाइड्स, मतलब देखिए फौज में अगर स्ट्रेस है कोई तो उसके पास अगर फील्ड एरिया में है आप तो लोडेड राइफल भी है ड्यूटी पर, अब उस लोडेड राइफल का क्या इस्तेमाल होने वाला है, खुद को गोली मार ली, अपने साथ वालों को गोली मार दी जा करके, देखने को मिला है ये, है ना, को मिला है, न्यूज़पेपर्स में आया है, जी हाँ, ठीक है, मतलब अर्ध सेना में भी ये देखने को मिला है, बीएसएफ के जवानों ने एक दूसरे को मार, मैं सभी प्रकार की आर्म फोर्सेस की बात कर रहा हूँ सर इसमें जी। तो अब देखिए क्या हो गया कि ये जो फ्रेटिसाइड है ये क्यों हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। फिर इसके अलावा फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स, जल्दी जल्दी आपकी जगह बदलती रहती है, आप नई जगह, हाँ, जब तक आप यहाँ पर एडजस्ट हो पाते हैं, जब तक यहाँ थोड़ा अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं तब तक पता चला लो जल्दी आप दूसरी जगह पहुंच गए, ठीक है। फिर आपका जो है खास करके जो आपके इंडिविजुअल ट्रांसफर्स जब आते हैं तो इनके सब फौज में देखिए जो फाइटिंग आर्म्स हैं उनको छोड़ करके बाकी इंडिविजुअल ट्रांसफर्स है ऑफिसर्स के, तो हर जगह इंडिविजुअल ट्रांसफर्स हैं, प्लस जेसीओस और एनसीओस में भी जो है फाइटिंग आर्म्स को छोड़ दें तो आपके इंडिविजुअल ट्रांसफर्स है सभी कोर में, ईएमई, सिग्नल्स, एएमसी, ऑर्डिनेंस, यहाँ पर, तो वहां पर आपका वातावरण तो बदला ही बदला, साथ में लोग भी बदल गए, है ना, तो वो एक स्ट्रेस आपके जीवन में आया। फिर यू रिमेन अवे फ्रॉम योर फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्गर टाइम, आप अपने फैमिली और दोस्तों से, घर से बहुत दूर रहते हैं ज्यादा समय, क्योंकि साल में 3 महीने छुट्टी मिलनी है अगर मिल गई तो, है ना, क्योंकि कैजुअल लीव अधिकार नहीं होता है, ठीक है, कैजुअल लीव आपातकालीन लीव होती है जो कि जब आपको दी जाएगी तो आपकी परिस्थितियों और रेजिमेंट की कंडीशन को दोनों को ध्यान में रख करके दिया जाता है, इसका कोई ओवरलैप्स का कोई आपको पैसा नहीं मिलता है। एनुअल लीव अगर आपने नहीं काटी है, 1 महीना आप इनकैशमेंट में डाल दे रहे हैं तो उसका पैसा मिल जाएगा, बट कैजुअल लीव का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, ये आपातकालीन छुट्टी होती है। तो भाई अगर वो भी मान लेते हैं, चलो दोनों मान लो, तो 2 महीने एनुअल लीव, 1 महीना कैजुअल लीव, 3 महीने आप घर पे हैं, 9 महीना आप उनसे दूर हैं, तो ये एक स्ट्रेस बनना रहता है आपके, है ये सर बिल्कुल जायज, ये इनके बड़ा रिलेट कर पा रहा हूं मैं जी सर, ये ऑपरेशनल स्ट्रेस, ये तो ऑपरेशन के दौरान है, हाँ, और कुछ नॉन ऑपरेशनल भी, नॉन ऑपरेशनल स्ट्रेस भी हैं इनके लिए, भी स्ट्रेस होते हैं सर जी, हाँ, उसमें भी स्ट्रेस जैसे है, जैसे सर देखिए एटीट्यूड ऑफ सीनियर, क्योंकि हायरार्की जो है फौज की वो बहुत मायने रखती है, तो सीनियर तो भाई अपनी बात कहेगा आपसे, आपको बुरी लग जाएगी, वो स्ट्रेस पाल लिया आपने अपने दिमाग में, है ना। दूसरा, डिनाइल ऑफ लीव, छुट्टी मांगने गए अपनी सुविधा से और रेजिमेंट के काम के चलते छुट्टी नहीं मिली आपको, ये भी एक है ना, छुट्टी नहीं मिली तो वो एक तकलीफ हो गई अपने अंदर से। फिर पता चला कि आपका जो करियर प्रोग्रेशन है वो आपके स्लो होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज या बाहर की दुनिया, अगर आप देखते हैं उससे प्रमोशन है, देखिए अच्छाई और बुराई दोनों देखिए, आज फौज में क्या लगता है कि प्रमोशन बहुत स्लो मिल रही है, जायज बात है, मैं एक्सेप्ट करता हूं स्लो है प्रोग्रेस, लेकिन सस्टेन्ड है और ये हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग है, मतलब आगे ही जाएंगे आप, पीछे नहीं आ रहे हैं, डिमोशन नहीं है जब तक कि आपने गलती ना की हो, मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है तब, वो भी एनसीओ रैंक तक, तो वहां आपके डिमोशन हैं, अदरवाइज प्रमोशन है तो फिर आप आगे ही बढ़ोगे, आपको पीछे कोई नहीं ला रहा है, लेकिन आप बाहर जाओगे जल्दी प्रमोशन, 2 महीने में आप पता चला कि कहीं के ब्रांच हेड बन गए, ठीक है, और फिर 3 महीने में पता चला नौकरी चली गई, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है ना, वो अलग स्ट्रेस हो गया, हाँ, क्योंकि भाई बाहर की गूगल ने 12,000 लोगों को निकाल दिया, आप ये सोचिए जो गूगल के साथ काम करने के लिए लोग तरसते हैं,
तो क्या पैकेज रहा होगा, क्या एकदम जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है और एक दिन में फायरिंग मिल गई पता ही नहीं चला। तो बाहर की दुनिया में हायरिंग और फायरिंग दोनों बराबरी से चलती है, जबकि फौज में ऐसा नियम नहीं है। मगर करियर जो प्रोग्रेस है वो थोड़ा स्लो है, इसका आप स्ट्रेस पाल लेते हैं। फिर देखिए इनका रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइज अगर देखिए सामान्य तौर पर ऑपरेशनल इलाके में आप अच्छा काम कर रहे हैं बड़ी जल्दी रिकॉग्नाइज किए जाओगे, ठीक है, तब तो पुरस्कार भी है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र कुछ ना कुछ ले आओगे लड़ाई में किया, अदरवाइज अशोक चक्र, कीर्ति चक्र या आप शौर्य चक्र पीस टाइम में भी कर दिया, तो ऑपरेशनल अगर कुछ किया है तो रिकॉग्नाइज हो गई हो गया। लेकिन अगर आप पीस स्टेशन पर हैं और आपने कोई काम कर दिया तो इसका क्रेडिट सामान्य तौर पर एक टीम को मिलता है। फौज में ये चीज बहुत क्लियर है कि पनिशमेंट और अप्रिशिएशन जॉइंटली दिया जाएगा, ठीक है। अब यहां दिक्कत क्या होती है कि अगर आपने कोई नॉर्मल अच्छा काम किया जिसमें आपको लगता है कि मुझे प्रशंसा मिलनी चाहिए थी, कभी कभार होता है कि नहीं मिली उस समय, मगर हाँ कोई गलती हो गई आपसे तो क्रिटिसिज्म तुरंत मिलता है, फिर आप इंडिविजुअली आइडेंटिफाइड हो जाते हो, तो ये स्ट्रेस बहुत जल्दी आप कैरी कर लेते हो। और लास्ट नॉन ऑपरेशनल स्ट्रेस होता है आपके लाइफ में फैमिली इश्यूज, कि आप देखिए पेरेंट्स की तबीयत खराब है, वाइफ की तबीयत खराब है, बच्चे की तबीयत खराब है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं चल रही है, घर में भाइयों से विवाद है, जमीन का बंटवारा होना है, घर का बंटवारा होना है, बहुत कॉमन, किसी ने जमीन दबा ली आपकी, आप वहां पर ड्यूटी पर है, इस प्रकार की पारिवारिक समस्याएं साथ साथ है और ड्यूटी भी साथ साथ करनी है, तो ये स्ट्रेस आपका नॉन ऑपरेशनल स्ट्रेस ये होते हैं आपकी लाइफ में। तो अब देखिए सबसे अच्छी चीज क्या है कि ऐसा नहीं कि फौज को इस चीज के कंसर्न नहीं है। अगस्त 2023 में जी DIPR डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च जी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जी और DGMS डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज, इनका एक जॉइंट जो है प्लान शुरू हुआ है अगस्त 2023 से, जिसमें अब फौज क्या कर रही है आपके लिए, आने वाले दिनों में क्या मिलने वाला है फौज में बिकॉज ऑफ दिस मेंटल हेल्थ। सबसे पहले साइकोमेट्रिक असेसमेंट लाई जा रही है फौज के अंदर। अच्छा, अ प्रोजेक्ट विद सिविल एजेंसी दिशा किरण, दिशा किरण एक सिविल एजेंसी है, उसके साथ में फौज साइकोमेट्रिक असेसमेंट लेकर के आएगी, पहला बड़ा काम। दूसरा काम होगा 4 वीक का एक कोर्स आने वाला है जो कि ऑफिसर्स को DIPR कराएगा जी, और आपके जो रिलीजियस टीचर्स हैं उनको जो है वो RTCC को होगा, ये कोर्स का नाम RTCC रिलीजियस टीचर्स काउंसलर कोर्स, ये कमांड हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल और मिलिट्री हॉस्पिटल्स में रिलीजियस टीचर्स को कराया जाएगा ताकि वो आगे पास ऑन कर दें। हाँ, आगे पास ऑन कर। 12 वीक का एक कोर्स JCOs और NCOs, जिसमें NCO में सीनियर हवलदार जो होंगे उनको 12 वीक का एक कोर्स कराया जाएगा ताकि वो अपने साथ वाले लोगों को संभाल के रख सके, ठीक है। देन ऑफिसर्स, रिलीजियस टीचर्स, JCOs और सिलेक्टेड NCOs जो होंगे ये लोगों के बीच में काम करेंगे, जिससे इंक्रीज्ड स्ट्रेस लेवल अगर किसी के अंदर दिख रहा है तो उसको वो समझा पाए, या फिर आपके जीवन में मेंटल हेल्थ खराब होने के टाइम या स्ट्रेस लेने के वार्निंग साइंस क्या होते हैं वो आपको शुरू में बताया जा सके, ताकि आपको खुद एहसास हो जाए कि नहीं मैं स्ट्रेस में जा रहा हूं या कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो उनसे बचाया जा सके। और उसके बाद इसको बचाव के तरीके, इंटरवेंशंस, मेजरमेंट्स जो होंगे कि ये कितना हो रहा है और ऐसे इससे कैसे बाहर निकलना है, ये सब चीजें इनका काम होगा जो आप लोगों के बीच में ये रह करके करेंगे। सिविल काउंसलर्स जो है मेजर मिलिट्री स्टेशंस पर, जो कि डिवीजन हेडक्वार्टर जो HRDCs होंगी वहां पर सिविल काउंसलर्स काम करेंगे और वो आपके साथ आपके मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। ये बड़े बड़े काम अभी होने जाने फौज ले रही है, बहुत अच्छे काम करने वाली है फौज सर। और क्योंकि देखिए क्या है, एशिया में अगर आप बात करेंगे एशियन कंट्रीज की, तो यहाँ पर मेंटल हेल्थ जो है ठीक है, स्ट्रेस लेवल जो है सबसे कम होता है दुनिया में एशियन कंट्रीज। जी हाँ, अच्छा। सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो है US मिलिट्री में होता है, अगर आर्म फोर्सेस की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है US मिलिट्री में है। तो सबसे ज्यादा सुसाइड भी उसमें है,
वहां सुसाइड नहीं है, क्योंकि वहां के जो लाइफस्टाइल है, वहां के जो डिपार्टमेंटल वर्क्स हैं, वहां का जो लीव प्लान है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, वहां की फैसिलिटीज थोड़ा अलग हो जाती हैं। बट हम एज अ डेवलपिंग डेवलप नेशन, और आज जब हम मॉडर्नाइजेशन ज्यादा देख रहे हैं जी, तो इस हमें मेंटल हेल्थ की बहुत कंसर्न है। अब आती है बात एसएसबी के एस्पिरेंट्स के लिए कि क्यों हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं कि यू ऑल आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर। अगर आप एसएसबी में जा रहे हैं तो आप ऑफिसर बनने के लिए जा रहे हैं, और कहीं भी पूरे डिस्कशन में हमने ये चर्चा नहीं की कि ऑफिसर की मेंटल हेल्थ को कैसे सही रखा जाएगा। हमने ये कहा कि ऑफिसर्स खुद दूसरों की मेंटल हेल्थ को ठीक रखेंगे, उसके लिए पहले आपकी खुद की मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। जब तक आप पॉजिटिव नहीं हो आप दूसरों को कैसे पॉजिटिव जी। जिसकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी उसको आप समस्या में खड़ा करेंगे तो उसका समाधान ढूंढेगा, ठीक है, और जिसकी मेंटल हेल्थ खराब होगी उसको आप साधारण काम में डालेंगे, वहां समस्याएं खड़ी कर देगा। ये मेंटल हेल्थ का फर्क होता है, जो कि एसएसबी के टेस्टिंग प्रोसेस के दौरान आपके तीनों असेसमेंट, चाहे वो साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, जहां स्टिमुलस रिस्पॉन्स करना है आपको जी, तो वो रिस्पॉन्सेज में आपकी खराब मेंटल हेल्थ झलकती है, वो नेगेटिव अप्रोच झलकता है। आपके जो जीटीओ प्रोसेस के दौरान आपके ग्रुप में जो कोऑर्डिनेशन है, जो आपका एरोगेंस अप्रोच है जी, ये सब कुछ जो दिखता है वो समझ में आ जाता है, झलक मिल जाती है, बिहेवियर खराब हो जाता है उसके चलते। और तीसरा पर्सनल इंटरव्यू में आप नेगेटिव या दुख दर्द जो आपके जीवन के वो झलकने लग जाते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ बिगड़ी हुई है। क्या बात है सर, कितना सही एग्जाम्पल आपने थ्रो किया। कहीं ना कहीं डिफेंस एस्पिरेंट्स फौज के स्ट्रक्चर में एक अफसर के नीचे 110-120 जवान की कमांड आ जाता है, मिनिमम इतने तो रहते ही कंपनी कमांडर हो तो 120 जवान, और अगर आप एज एन ऑफिसर नेगेटिव हो तो पहले ही बोल दोगे साहब ये काम नहीं हो सकता। जब अफसर बोल देगा काम नहीं हो सकता तो जिस कंपनी को वो कमांड कर रहा है वो कंपनी भी तो यही बोलेगी। इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ पे जरूर काम करिए। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको एक अच्छा मैसेज मिला। एस्पिरेंट्स, बीइंग डिफेंस एस्पिरेंट्स, आप लोग रोज सुबह उठते हो, रोज सुबह एक्सरसाइजेस करते हो, पसीना बहाते हो, बहुत मेहनत करते हो, बहुत मेहनत कर भी रहे हो फिजिकल हेल्थ के लिए, बट समय आ गया कि फिजिकल हेल्थ से ज्यादा जरूरी मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ पे जरूर काम करो। ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों तक ये मैसेज ये वीडियो के द्वारा जरूर पहुंचाओ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एस्पिरेंट्स, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।